हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब मेन पॉइंट्स ऑफ वाटर एंड मिस यूज ऑफ वाटर। व्हाट इज वाटर? पानी क्या है? पानी बिल्कुल प्योर होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, ना वो स्वाद में होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। पानी पारदर्शी है और यह प्रकाश को परावर्तित करता है। पानी चीनी और नमक को घोलकर एक अच्छा विलायक बनता है। जो हम पानी पीते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, तो हम उस पानी को कहते हैं योग्य जल। हिंदी में हम उसको योग्य जल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। 10 लाइन्स ऑन सेव वाटर। कुछ लाइन्स जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। पानी का दूसरा नाम है जीवन। पानी हमें जीवन देता है। पानी डेली यूज होता है, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए डेली यूज होता है। हम पानी को यूज करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। हम पानी को नहाने के लिए यूज भी करते हैं और अपने घर को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। पानी हमारी डेली की नीड है, ये हमारी लाइफ में चाहिए होता है डेली। हम पानी के बिना नहीं रह सकते और पानी के बिना कोई भी जीवन नहीं है। हम सबको पानी बचाना चाहिए। हमें पानी को किसी भी फॉर्म में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं पानी के, जैसे कुएं, नदियाँ, ये सब है, तो हमें पानी को सेव करना चाहिए। जो आरओ में से जो गंदा पानी निकलता है, हमको उसे भी सेव करना चाहिए। हमें पानी को बचाना चाहिए और हमें पानी को अच्छे से यूज करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी ही यूज करना चाहिए। पानी जीवित व्यक्तियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि मिस यूज क्या है वाटर के। हमें हमेशा एक बकेट यूज करनी चाहिए, मतलब बाल्टी, नहाने के लिए शावर की जगह। उससे क्या होगा, बहुत सारा पानी बच सकता है। जब भी आप ब्रश करते हो अपने टीथ एंड जब हैंड्स धोते हो, जब टंकी को बंद रखें, जब जरूरत हो उसको तभी खोलें। टॉयलेट में और बाथरूम में बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज है तो उसको जल्द से जल्द प्लम्बर को बुलवाकर ठीक करवाइए। जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो टंकी को बंद करके रखें, जब जरूरत हो तभी उसको हमें खोलना चाहिए। प्रदूषित जल निकाय से बचना चाहिए। यही थी कुछ मिसयूज वाटर के और कुछ पॉइंट्स थे ये पानी के। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना। थैंक यू।